हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं, देखिएगा एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बनाएंगे हम बुलन लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे तीन कलर लिए हैं। ये हमारा फिरोजी कलर है, रानी कलर है और क्रीम कलर है। तो आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिएगा, जो कलर आपको पसंद हो। और 9 नंबर की हमने यहाँ पर सिलाई ली है, क्योंकि हमारी ये थोड़ी मोटी ऊन है इसलिए। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत इजी और बहुत ही आसान है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये ड्रेस आपको बना के बताएंगे। तो वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर 3 कलर हमने लिए हैं बनाने के लिए इसको। तीनों कलर हमारे तीन अलग अलग हैं। तो आप अपने पसंद का कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो ले लीजिएगा। और 9 नंबर की सिलाई है ये। तो सिलाई में हमने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं, 16 फंदे, 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है, ये बनाते हैं कम समय में भी बन के तैयार हो जाती है। तो अभी इतनी ठंडी नहीं आई है, हम पहले ही बना बना के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी ये ठंडी आएंगी तो ड्रेस कंप्लीट रहेंगी, तो लड्डू गोपाल जी को बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमने गले के बॉर्डर के लिए फंदे डाले हैं, 16 फंदे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 3 से 4 के लिए 16 फंदे हमने डाले हैं। आप किसी भी साइज में बना लीजिएगा, अगर छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो 2-2 फंदे कम होते चले जाएंगे, और बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो 2-2 फंदे यहाँ पे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से गले का बॉर्डर हम बनाएंगे। हमारी पहली सिलाई है, तो इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहली सिलाई को हमने यहाँ पर पूरा उल्टा उल्टा बना लिया है। अब उल्टे तरफ आगे हैं, तो उल्टे तरफ से हम यहाँ पे जो हमारा फिरोजी कलर है इसको ज्वाइंट कर लेंगे। एक सिलाई हम इसकी बनाएंगे उल्टे तरफ से और एक सीधे तरफ से। तो दोनों साइड से हम यहाँ पे एक सिलाई बनाएंगे इस तरीके से। तो सीधे तरफ से भी उसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्रीम की बनाई है और एक यहाँ पे फिरोजी कलर से है, फिर क्रीम कलर से बना लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 सिलाई बना ली हैं, बीच में फिरोजी कलर बनाया है, ऊपर नीचे क्रीम बनाया है। 3 सिलाई हमारी यहाँ पे बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारा बन गया है गले का बॉर्डर। बनाते हैं हम अब चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हम जो हमारा तीसरा कलर है उसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं इस तरीके से। अब इस तीसरे कलर को बनाएंगे, इसको उल्टा उल्टा इधर से बना लेते हैं उल्टी तरफ से। यहाँ पे हमने उल्टी तरफ से बना लिया है रानी कलर को। अब सीधे तरफ आ चुके हैं, तो सीधे तरफ से ये हम बनाएंगे पहला फंदा, किनारे वाला सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे एक फंदा ये सिंगल बनाया, अब दूसरे फंदे को बनाएंगे, एक फंदा इसमें से बनाया, ये आप जाली डाल के भी इस तरीके से ये धागा अपनी तरफ है, इसको यहाँ पे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाया ऐसे सिंगल, फिर दूसरे फंदे पे जाली डाल के फंदा बढ़ा लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सिंगल बनाया, धागा अपनी तरफ है, एक फंदे पे जाली डाल के, यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे, जाली डालेंगे तो हम इस तरीके से हम फंदे बढ़ा लेंगे इसमें। ये चोली बनाने के लिए
गोटा, एक फंदे को सिंगल बनाना है, दूसरे फंदे को जाली डाल के बनाना है और लास्ट का फंदा ये किनारे वाला सीधा। इस तरीके से फंदे हमने इसमें यहाँ पे बढ़ाए हैं। अब उल्टे तरफ से जो हमारा बनाया हुआ फंदा है इसको भी उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे दोनों ये हमारे बनाए हुए फंदे हैं और जो हमारा ये जाली वाला फंदा है ये वाला, इसको भी उल्टा बनाएंगे। और इसके बाद में हम एक सिलाई जो बनाएंगे अब सीधे तरफ से उल्टी उल्टी उसको बना लेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। जब दूसरी सिलाई पे आएंगे तो फिर से फंदा हम इसी तरीके से बढ़ाएंगे। तो हमने फंदे बढ़ा के यहाँ पे और एक सिलाई हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लिया है, देखिएगा ये नज़र आ रही है, बिगड़ फंदे बढ़ाए। अब हमारी जो तीसरी सिलाई है इस पर हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे किनारे वाला, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ऐसे ही बनाएंगे सिंगल और दूसरे फंदे पर इस तरीके से जाली डालते हुए बनाएंगे। जो हम जाली डालेंगे उससे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हमने जाली के तरीके से फंदे बढ़ाए हैं, इसमें ये वाला फंदा है इसको बढ़ा के आपको बताते हैं। इस तरीके से देखिए बनाया। अब जो हमारा ये देखिए ये जाली वाला फंदा यहाँ पे गया है, इससे हमारा फंदा बढ़ जाएगा। उल्टे तरफ आएंगे तो इसको हम उल्टा बना लेंगे, ये जो धागा जाएगा इस तरीके से जाली का ये वाला, इससे हमारा फंदा बढ़ के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसमें फंदे बढ़ा रहे हैं और एक सिलाई हम फिर से उल्टी बनाएंगे और तीसरी सिलाई पे हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो एक सिलाई हम सिंगल बनाएंगे और एक सिलाई पे हम फंदे बढ़ाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए ये हम इसमें तीन सिलाइयों में हम फंदे बढ़ा लेंगे तीन बार में, जिससे हमारे एक साथ ना फंदे बढ़ के धीरे धीरे फंदे बढ़ेंगे तो हमारी चोली की जो फिटिंग है अच्छे से आ जाएगी। तो हम फंदे बढ़ा लेते हैं, तो दूसरी सिलाई हम बढ़ा रहे हैं, एक सिलाई और बढ़ाएंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमने तीन बार फंदे बढ़ाए, देखिएगा एक दो तीन, तीन सिलाइयों में तो हमने करके फंदे बढ़ाए हैं और तीन सिलाई हमने एक दो तीन ऐसे ही सिंगल सिंगल बनाई हैं। तो एक सिलाई पर फंदे बढ़ाएं, दूसरी सिलाई को सिंगल बनाया है, फिर एक सिलाई पर फंदे बढ़ाएं, फिर दूसरी सिलाई को सिंगल बनाया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाते हुए देखिएगा ये फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। यहाँ पे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अड़तीस चालीस बयालीस चवालीस छियालीस अड़तालीस पचास इक्यावन, यहाँ पर टोटल हमारे 51 फंदे हो चुके हैं। तो अब हमने जो बॉर्डर ये बनाया था गले का, उसी टाइप का बॉर्डर हम बाजू पे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये चोली के फंदे बढ़ा के और देखिए बाजू तक ये लंबाई हो चुकी है, हमने उसी हिसाब से फंदे बढ़ाए हैं कि हमारी यहाँ पे लंबाई भी पूरी हो जाए और फंदे भी पूरे हो जाएं। लंबाई चौड़ाई हमारी दोनों हो चुकी है। अब हम बाजू बनाएंगे, तो बाजू बनाने से पहले हम इस तरीके का बॉर्डर बना लेते हैं। तो हमने उल्टे तरफ से क्रीम कलर को बना लिया है, तो क्रीम कलर की एक सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे पूरी और एक सिलाई हमारी देखिए जो फिरोजी कलर है इसके ऐसे ही सभी फंदों में उल्टी उल्टी सीधे तरफ से बनाएंगे और एक उल्टे तरफ से, दो सिलाई हमारी फिरोजी कलर की हो जाएंगी। और जब हम तीसरी सिलाई क्रीम कलर की बनाएंगे तो उस पर हम बाजू के फंदे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, हमने गले में बनाया है सेम तरीके से बनाना है। पहला फंदा उतार लिया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए दोनों कलरों से हम बना लेते हैं टोटल दो दो सिलाइयाँ, एक सीधे तरफ से और एक एक उल्टे तरफ से बनाते हुए कि इस तरीके से बनाते हुए बना लेते हैं। हमारा बॉर्डर बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से दो सिलाई हमने बना दी हैं। अब जो हमारी तीसरी सिलाई है इसमें हमें फंदे बंद करने हैं, तो हम साथ साथ फंदे आगे के पार्ट में बनाएंगे और जो हमारा ये बाजू है उसमें हम 10-10 फंदे बंद करेंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे हमने बना लिए आगे वाले पार्ट में। अब हम 10 फंदे यहाँ पे बंद करेंगे बाजू के लिए, एक दो तीन चार
पाँच छः सात आठ नौ दस, दस फंदे हमने बाजू के लिए बंद कर दिए। अब हम पीछे वाले पार्ट के लिए बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह फंदे हमने यहाँ पर बना लिए हैं। पहले दो चार छः सात, सात फंदे हमारे ये आगे वाले पार्ट के निकालेंगे, दूसरा जो आगे का पार्ट होगा। दो चार छः आठ दस, यहाँ पर हमारे सत्रह फंदे पीछे वाले पार्ट में बन गए हैं और दस फंदे हम ये दूसरी बाजू के लिए बंद कर लेते हैं। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये हो गए हमारे दस, ठीक। दो तीन चार पाँच छः और ये लास्ट का फंदा सात, सात सात फंदे हमारे आगे वाले पार्टों में हो गए। पीछे वाले पार्ट में हमारे सत्रह फंदे हैं, क्योंकि हमारे जो आगे वाले पार्टों के होते हैं उससे डबल फंदे हमारे पीछे होते हैं और एक आध दो फालतू जाए तो उसमें कोई वो नहीं है। अगर दस फंदे हमने बाजू में बंद कर दिए हैं तो बाजू तक हमारी चोली बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें बनानी है कमर, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। तीन जगह हमारे फंदे हैं, देखिएगा यहाँ पे ये हमारे आगे पार्ट बन गया, ये पीछे वाले पार्ट के फंदे हैं। बिल्कुल पास में लाते हुए इनको जोड़ेंगे इस तरीके से, देखिए सभी फंदे हमने पास पास में कर लिए हैं इस तरीके से, जिससे गैप ना आए बीच में बाजू के पास में। यहाँ पे अब देखिए दूसरा आगे का पार्ट है, इसको बिल्कुल पास मिलाते हैं ऐसे इसको बना लेंगे। ये बन गए हमारे यहाँ पे सभी फंदे एक साथ, इस तरीके से हमारी बाजू जुड़ गई है। बिल्कुल पास में ला के बनाएंगे टाइट करके तो बाजू इस तरीके से जुड़ जाएंगी, तो बाजू तक ये हमारी चोली बन गई है। अब हम कमर बनाएंगे, तो कमर बनाने के लिए उल्टे तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से भी उल्टा, क्योंकि हमने यहाँ पे उल्टा बनाया है, दोनों साइड से उल्टा बनाते हुए हम बना लेंगे 10 से 12 सिलाई है कमर के लिए। तो बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। हमारी चोली बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, इसमें हमने एक दो तीन चार पाँच, पाँच एक तरफ से पाँच एक तरफ से, तो टोटल यहाँ पर हमारी 10 सिलाई बन गई हैं। देखिएगा तो कमर की लंबाई बन चुकी है, तो इस तरीके से हमने चोली को बना दिया है। तो ये हमारी 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बन के कम्प्लीट हो चुकी है, देखिएगा इस तरीके से। घेरा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे किस तरीके से घेरे को बनाना है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बना के बताया है। वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।